बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं सूजी के दानेदार हलवे की रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट रेसिपी तैयार करूँ। ये मज़ेदार रेसिपी किस तरह तैयार होगी, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चूल्हे में आग जला लेते हैं। चूल्हे में आग जल चुकी है। एक हमने पैन लिया है जिसमें हम सूजी को रोस्ट करेंगे। एक कप सूजी है, 5 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। सूजी हमारी भुन चुकी है, अब हम इसको रखते हैं साइड पे और चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक हमने कढ़ाई ली है, उसमें हम डाल लेते हैं 2 कप पानी के। एक कप चीनी का डाल लेते हैं। चाशनी को 2 उबाल आने देते हैं। चाशनी को हमने तब तक पकाना है जब तक चीनी अच्छी तरह घुल नहीं जाती। चीनी हमारी अच्छी तरह घुल चुकी है, चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। चाशनी को हमने बर्तन में निकाल लिया है। इसी कढ़ाई में अब हम डाल लेते हैं 1 कप घी का। घी को अच्छी तरह मेल्ट होने देते हैं और बाकी की चीज़ें बाद में डालेंगे। घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब हम सूजी डाल लेते हैं जिसकी 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। पाँच मिनट तक हमने भुनाई कर ली है, अब हम कुछ ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। सबसे पहले जाएगा नारियल बारीक कटा हुआ और 4 सफेद इलायची, बादाम, थोड़े से गार्निश के लिए रख लेते हैं, किशमिश, मिक्स कर लेते हैं। अब हम डाल लेते हैं चाशनी। चाशनी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। चाशनी
चाशनी डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक पकाया है। हमारा दानेदार सा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं, डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सूजी के दानेदार हलवे की रेसिपी को तैयार करके हमने इसे डिश आउट कर लिया है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको आप शेयर और लाइक करें। हमारे चैनल देसी विलेज फूड्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक टाइम पे पहुंच सके। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।